गाने में तेरा दिखावेगी। हेलो गाइस, मेरा नाम है तन्मय और स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल यू स्टाइल तन्मय पर। तो आज हम जानेंगे तीन रीजंस जिनकी वजह से आपका हेयर फॉल होता है और तीन तरीके जिसकी वजह से आप अपना जो हेयर फॉल होता है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल में कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला रीज़न है हेरिडिटी। तो जिनके मम्मी पापा के या चाचा ताऊ वगैरह जो भी हैं उनके बाल अगर कहीं से उड़े हुए होते हैं ना या फिर कम होते हैं तो फिर उनका इफेक्ट ना बच्चों पर भी पड़ता है, क्योंकि बच्चों के अंदर जो पापा या आपके फादर मदर होते हैं उनके जीन्स होते हैं, तो उस वजह से आप पर भी इफेक्ट पड़ता है और उस वजह से भी आपके बाल कम हो सकते हैं। तो अगर आपके ये प्रॉब्लम है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना ही पड़ेगा। दूसरा रीज़न जो है ये है, अगर आप हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो कि एकदम बेकार क्वालिटी के होते हैं, जैसे कि हेयर जेल, हेयर वैक्स, बेकार सा शैम्पू, जैसे कि सेटवेट के प्रोडक्ट्स होते हैं आप जानते हैं, तो इनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं ना यार वो इतने हार्मफुल होते हैं ना, सल्फ्यूरिक सल्फेट या फिर ऐसे होते हैं जो आपके बालों को ना लिटरली जो आपके बालों के जो होते हैं ना फॉलिकल्स उनमें जाकर वो चिपक जाते हैं और फिर वहीं से बाल को उखाड़ देते हैं, तो फिर उस वजह से बहुत आपका हेयर फॉल होता है। तो उनको यूज़ करना बिल्कुल ही बंद कर दो। और तीसरा है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। और भी रीजंस हैं पर मैं मेन बता रहा हूँ, जब आप किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हो ना तो जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो होती है ना आपकी वो चेंज हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम या फिर कभी कभी जो आपके बाल होते हैं ना वो चेंज नहीं कर पाते और वहाँ का जो पानी होता है ना वो बेकार क्वालिटी का होता है। कभी कभी अच्छी सिटीज़ पर आप शिफ्ट करते हो तो सही रहता है, बेकार सिटीज़ या बैकवर्ड एरिया पर आप शिफ्ट करोगे ना तो वहाँ पर बेकार क्वालिटी का पानी आएगा, उसकी वजह से भी आपके बाल जो होते हैं वो उड़ जाते हैं। कई कई बार आपने देखा होगा जो बैकवर्ड रीजन्स के लोग होते हैं उनके दांत येल्लो हो जाते हैं, फ्लोरीन होता है उसके अंदर, वो भी बहुत हार्मफुल रहता है बालों के लिए, तो उस वजह से भी आपके बाल उड़ जाते हैं। तो आप कैसे रोकें उड़ते बालों को, तो मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छे लगे तो आप फॉलो करना वरना मत करना, ठीक है। पहला रीज़न है कि जो आपके जो बाल होते हैं ना, बाल अगर आपके लंबे हैं ना तो या तो पूरे उड़वा दो या फिर उनको छोटा कर लो, क्योंकि छोटे बाल जो होते हैं ना वो कम उड़ते हैं, और मतलब कम कर लोगे ना आप तो काफ़ी हद तक आपका हेयर फॉल रुक जाएगा या फिर टकले हो जाओगे ना तो कोई बात नहीं, एक महीने में वापस आ जाएंगे बाल, पर जो आपका हेयर फॉल होगा ना वो मोस्टली स्टॉप हो जाएगा। दूसरा रीज़न है कि दूसरा मतलब तरीका है रोकने का कि जो शैम्पू होता है ना आपका, तो जो केमिकल फुल शैम्पू है उसको हटा के आप अगर कोई बेबी शैम्पू यूज़ करोगे ना तो ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव रहेगा, क्योंकि जो बेबी शैम्पू होता है ना उसके अंदर बहुत कम केमिकल्स होता है, मतलब लिटरली नील के बराबर होते हैं, तो उसे यूज़ करो। और यही है, और मतलब आप प्रोटीन्स लो, प्रोटीन्स क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं ना वो बालों की ग्रोथ रेट बढ़ाते हैं आपके, मतलब अगर बाल है ना तो वो अच्छे से ग्रोएंगे, तो प्रोटीन्स लो यार। और मतलब अगर बालों में आप रेगुलरली या फिर हफ्ते में दो बार भी अगर ऑयलिंग करवा लोगे ना तो फिर काफ़ी हद तक बेनिफिट्स मिलेंगे। ऑयलिंग में ऐसे नॉर्मल मत ले लेना पतंजलि के ये सब ऑयल, आपको लेना पड़ेगा आर्गन ऑयल आता है, वो स्पेशली बालों के रीजनरेशन के लिए होता है, तो फिर वो काफ़ी हद तक मदद करेगा और फिर आपके मतलब काफ़ी हद तक हेयर फॉल रुक जाएंगे। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना यार तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और वो जो सब्सक्राइब है ना यार उसको दबाओ यार, तब नोटिफिकेशन आएंगे आपके पास और मेरी ऑल वीडियो देख सकोगे आप, और जो प्रीवियस वंस हैं वो भी आप देख लो, हेयर कट वगैरह सब पर है।